आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड। यहाँ मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। फ्रेंड्स, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और गर्मियों में कुछ ठंडा और टेस्टी खाने का मन करता ही है, तो मेरे घर में बनता है फ्रूट कस्टर्ड। ये हम सब लोगों का फेवरेट है। तो दूध बॉयल होता है तब तक हम बना लेंगे कस्टर्ड पाउडर का घोल। मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है, उसमें ठंडा दूध डाल के मैंने घोल तैयार कर लिया है। कस्टर्ड पाउडर का घोल तैयार करने के लिए आप ठंडा दूध या फिर ठंडा पानी का ही इस्तेमाल करिए, तभी इसका घोल अच्छे से बन पाएगा। दूध बॉयल हो गया है तो मैंने कस्टर्ड पाउडर का घोल डाल दिया है। अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाला है, ऑप्शनल है। ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। जितना आपको मीठा खाना है उसके हिसाब से आप चीनी डाल लीजिए, और जितने भी फ्रूट्स आपके पास हैं वो सब आप इस कस्टर्ड में डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखिए। जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो सर्व कीजिए। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।